वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर लेकर आई हूँ आप लोगों को। स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पैनिलोलॉजी एंड बायो स्ट्रेटजी। प्लांट रिसोर्सेज के टाइमिंग पूरे 3 घंटे का रहता है और मैक्सिमम 75 नंबर्स का प्रश्न रहता है। नोट रहता है कि अटैम्प्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है अटैम्प्ट करना रहता है कि सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी 3 खंड में रहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। तो सेक्शन ए में जो रहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरी प्रश्न रहते हैं। सेक्शन ए के बाद आता है नोट, ऑल क्वेश्चन आर सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके करना सब कंपल्सरी रहता है। प्रत्येक प्रश्न पे 3.5 नंबर रहते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का जो ए है, फाइबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर बी में रहता है, व्हाट इज शॉर्ट नोट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है उसके बारे में आपको बताना रहता है। सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जीव मंडल से आप केंद्रीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहता है शॉर्ट नोट में ही। शॉर्ट नोट मतलब 100 वर्ड्स में रहता है, 100 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है शॉर्ट नोट्स। और क्वेश्चन डी जो है कि व्हाट नेम्स आर बॉटनिकल नेम, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं इंडिया में उसका बॉटनिकल नेम आपको बताना रहता है। क्वेश्चन ई जो है तो वाटलैंड्स क्या होते हैं, अर्धभूमि क्या होते हैं, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहता है शॉर्ट नोट्स में ही। क्वेश्चन एफ, एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, आप उसे क्या समझते हैं उसके बारे में आप लिखिए। जी का जो होता है, व्हाट शॉर्ट नोट्स आर पेट्रो प्लांट, पेट्रो प्लांट हम किसे कहते हैं, पेट्रो प्लांट क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहता है। जो एच होता है, व्हाट डू यू मेनी डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिकेट क्रॉप प्लांट क्या होता है तो उसके बारे में आपको लिखना रहता है। फसली पौधे ग्रामीण से आप क्या समझते हैं आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप का रहता है। इसमें 4 प्रश्न दिए रहते हैं आपको, पूरे 4 क्वेश्चन रहते हैं और 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना रहता है और 1 क्वेश्चन पे 7 नंबर रहते हैं। तो क्वेश्चन जो सेकंड है, मेनी स्पीसी फाउंड इंडिया में, जो स्पीसी भारत में जो पाई जाने वाली मुख्य फसलें मसालों का वर्णन करना रहता है, कौन कौन से मसाले भारत में, स्पाइसी मसाले जो होती हैं वो भारत में पाई जाती हैं, आप उसे लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ डोमिनिकेट, तो ये रहता है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, सतत विकास से आप क्या समझते हैं उसके महत्व को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 4 जो रहता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, उसके कितने मेथड होते हैं उसको आपको क्लासिफिकेशन करना था। क्वेश्चन एफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डिजर्व ऑफ द इम्पोर्टेंस, पादप संरक्षण से आप क्या समझते हैं कंजर्वेशन, तो उसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना रहता है। तो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है 7 नंबर। तो आप लोग पहले सब 4 क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसी को आप एक्सप्लेन कीजिए, वहाँ पे लिखिए। सेक्शन सी में जो रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, तो इसमें क्या होता है 16 नंबर का पूरे क्वेश्चन रहते हैं और 4 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है और 16 नंबर रहते हैं, पूरे क्वेश्चन 32 नंबर्स के रहते हैं। व्हाट डू यू रिक्वायर ऑफ द कॉटन कपास, कॉटन कल्चरवेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए और जितने भी उसके मेथड्स होते हैं उस पूरे मेथड को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट आर मेनी सेंटर ऑफ बोर्जिंग, प्लांट डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी क्या होता है, तो प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में आप लिखिए, मुख्य केंद्रक कौन, तो वही है। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आपको जिसमें अच्छा लगता है आप जिसमें कर सकते हैं पेपर को कीजिए। तो वे ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो वही करना था 8 में। और क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है कि मॉर्फोलॉजी और पेनोलॉजी ग्रेन जो थे पॉलन ग्रेन, तो वही पॉलन ग्रेन और मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताना था कि पॉलन ग्रेन और मॉर्फोलॉजी क्या होता है।
तो ये रहा मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर, सॉरी बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर भी मैं वीडियो में चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।